भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बनने के बाद पहली बार अलवर पहुंची पूजा कपिल मिश्रा का चूड़ी मार्केट एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़े बजाए गए। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि वे राजस्थान की आवाज बनने का प्रयास करेंगी। उनका कहना था कि पार्टी ने जो दायित्व दिया है उसे निष्ठा के साथ निभाया जाएगा। ये मेरा बड़ा सौभाग्य, मेरे अलवर शहर में प्रवक्ता बनने के बाद मैं आई। हमारी पूरी चूड़ी मार्केट एसोसिएशन, रिंकू भाई, रवि भाई, सब लोग जिस तरह से आज सबसे मिलवाने का, और इन लोगों ने ये अपने शहर का, आज मुझे पार्टी ने सौभाग्य दिया राजस्थान की आवाज बनने का। और जब अपने शहर का साथ होता है, अपने लोगों का साथ होता है, तो उस आवाज को और बुलंद करने में और मजबूत करने में बहुत बड़ा ये आशीर्वाद भी मिलता है, ये साथ भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। और कहते हैं ना, जब अकेले चलते हैं तो कारवा, जब बनता है सारे लोग साथ चलते हैं। आज मेरे अपने शहर के सारे व्यापारी वर्ग के लोग साथ हैं और मेरी उस आवाज को आशीर्वाद स्वरूप में, साथ स्वरूप में, मदद के साथ में, जिस तरह से मेरे साथ सब खड़े हैं, तो निसंदेह बहुत खुशी होती है। और मैं इस ऊर्जा और इस शक्ति को एकत्रित करके राजस्थान में भाजपा की आवाज बनकर गूंजने का पूरा प्रयास करूंगी।